Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. All right, hello. Border Gavaskar Trophy. अब कुछ ही दिन रह गए हैं तो हमने सोचा कि आपके लिए, क्योंकि सीरीज तो खैर हर कोई देख ही रहा है, इट्स अ हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज, तो हमने कहा उसके पहले का जो माहौल है वो क्या हो रहा है वो आपको बता दे। तो उसके लिए हम आ गए हैं दिल्ली से नागपुर, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे ठीक बाईं ओर इंडियन टीम का नेट सेशन चल रहा है। करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं इस नेट सेशन को शुरू हुए हुए, और जब यहाँ से मैं नागपुर आज सुबह जब पहुँचा करीब 11:30 बजे, तो वहाँ पता लगा कि इंडियन टीम की प्रैक्टिस सेशन, और ऑप्शनल बताया गया कि इंडियन टीम ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो हमने कहा सीधे एयरपोर्ट से वेन्यू की तरफ, यानी विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है जामता में, वहाँ चलते हैं। तो वहाँ देखा तो केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, थोड़ा हमने नीचे ग्राउंड की तरफ झांका तो देखा कि इंडियन टीम जो है वो फुटबॉल, एक छोटा सा फुटबॉल सेशन खेल रही थी, जो अक्सर अब होता है कि वार्म अप के लिए आप फुटबॉल खेल लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने प्लेयर्स को काउंट करने लगे कि 1, 2, 3, 4, तो बाद में देखा कि ऑलमोस्ट सारी टीम है। तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ मैं, क्योंकि अक्सर अब तो ये होता था कि जब बोला जाता था कि प्रैक्टिस सेशन है इंडिया का, तो वहाँ जाके पता लगता था कि जी ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है और बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ दिखते नहीं थे। यहाँ पे बोला गया ऑप्शनल प्रैक्टिस, और मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन सारे के सारे प्लेयर्स, द इंटायर इंडियन टीम वाज इन फुल अटेंडेंस हियर। तो मैं देखा, फिर मैंने जब गिनने शुरू करे तो एक प्लेयर मिसिंग था, वो थे चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा जब मैदान इस तरफ है तो इस तरफ, जैसे मैंने कहा बाईं तरफ, मैंने देखा चेतेश्वर पुजारा अकेले, क्योंकि जो प्रैक्टिस एरिया है यानी जो नेट सेशंस हैं वो अलग एरिया में हो रहे हैं, और वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा अकेले थ्रो डाउंस ले रहे थे। करीब उन्होंने 20-21 मिनट अकेले थ्रो डाउंस लिए, उसके बाद केएल राहुल ने उनको ज्वाइन किया, उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा सब आए। तो अभी मैं आपको नेट्स पे बताता हूँ 2 मिनट में, पहले मैं उसके आपको बता दूँ। वहाँ पे फील्डिंग ड्रिल्स में वार्म अप हुआ, ग्राउंड को मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ग्राउंड को देखा नहीं है अभी तक, क्योंकि कवर्ड है, और पहले तो मुझे लगा कि उस ट्रिप जब मैंने देखी तो मुझे लगा यार तो कैसा, ये तो ऐसा लग रहा था कि सीमेंट का विकेट है, तो बाद में पता लगा उस पर कवर है। तो हमने तो खैर देखा नहीं, बट जो बात हुई है लोगों से, जो बात करी है या कुछ है, वो पता लगा है कि वो एक टर्निंग ट्रैक आपको मिलेगा, कितना टर्न करता है वो हमें देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया तैयार है एक टर्निंग ट्रैक के लिए। वहाँ पे जब इंडियन टीम अपना वार्म अप सेशन कर रही थी फुटबॉल के साथ, रविंद्र जडेजा ने उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अलग से फिजियो के साथ जो हैं वो अपनी फिटनेस ड्रिल्स कर रहे थे, आई थिंक जस्ट टू बी श्योर कि वो मैच के लिए फुल्ली फिट हों। अब होपफुली वो फिट हैं, क्योंकि नेट्स में उन्होंने बॉल भी डाला है, बैटिंग भी करी है आज, और शुरुआत आज जैसे मैंने आपको बताया चेतेश्वर पुजारा ने की। तो यहाँ पे जामता VCA का जो स्टेडियम है, यहाँ पे 5-6 नेट्स हैं, इंडियन टीम 3 नेट्स यूज़ कर रही है, और वो नेट्स की विकेटें भी आपकी ऐसी ही तैयार होती हैं, जो पहली विकेट है उसमें आपको थोड़ा सा फास्ट बॉलर के लिए वो विकेट मिलेगी, उसके बाद जैसे जैसे आप एक एक विकेट छोड़ के खड़े होते हैं, स्ट्राइक लेते हैं, तो वहाँ पे आपके स्पिनर्स के लिए और बेहतर होती जाती हैं विकटें। तो वैसे ही आपका ऑर्डर भी रहा, चेतेश्वर पुजारा पहले नेट्स के बाद दूसरे पे गए, दूसरे के बाद तीसरे, उनके बाद केएल राहुल पहले, तो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो केएल राहुल ने भी आज जम के प्रैक्टिस करी, अच्छा लगा कि थ्रो डाउन्स के अलावा उन्होंने स्पिनर्स को भी खेला। स्पिनर्स जैसे आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे राहुल चहर भी आ रखे हैं, जयंत यादव भी हैं, सौरभ कुमार भी हैं, तो इंडिया ने काफ़ी नेट बॉलर्स लेकर आ रखे हैं, तो उनसे गेंदबाजी कराई जा रही है। अश्विन है ही, अश्विन को मैंने देखा शुरुआत उन्होंने करी टोपी पहनकर ही बॉल डाल रहे थे, थोड़ा शायद से वार्म अप कर रहे हों, उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो लय में आए उन्होंने सबको, विराट को, रोहित को बॉल डाला, कुछ कुछ बीट भी हुए। जयदेव उनाडकट भी अपनी लेफ्ट आर्म फास्ट डाल रहे थे, तो ये देखना होगा क्योंकि आज लेफ्ट आर्म फास्ट पे बड़ा थ्रो डाउन्स मैंने देखे यहाँ पे, बट ऑस्ट्रेलिया में डालेगा कौन, तो ये है। अब आपकी टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, मैं आपको जो देख के बता रहा हूँ, एटलीस्ट एक चीज़ तो जाहिर हो गई जो आपको स्पोर्ट्स तक पे हमने अक्सर बताया भी है पिछले के कुछ दिनों में, KS भरत जब दूसरे विकेट पे
जो पहला, दूसरा, तीसरा, तो दूसरा विकेट था मिडिल विकेट, उस पर के एस भरत, जब विराट, रोहित ये सारे बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, पुजारा, तो के एस भरत पीछे विकेट कीपिंग कर रहे थे, यानी वो विकेट के पीछे थे। सो मच सो दैट ईशान किशन जब विकेट कीपिंग करने आए तब के एस भरत बैटिंग कर रहे थे। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कल विकेट कीपर पे तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए और विकेट कीपर आपके के एस भरत ही होंगे। अब सवाल ये होता है कि जी ओपन कौन करेगा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि के एल राहुल ने पहली विकेट से शुरू किया था, उनका ऑर्डर था पहली विकेट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। शुभमन गिल ने तीसरी विकेट से शुरू किया, तो हालांकि ऐसा नहीं, उन्होंने भी फास्ट बॉलर्स खेले, उन्होंने भी स्पिनर्स खेले, दोनों ने खेले, बट यह है कि ऑर्डर देख के मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ से शुभमन गिल ने शुरू किया। सूर्य कुमार यादव भी थे और उन्होंने भी जमकर अभ्यास किया, ऐसा नहीं, उन्होंने भी नेट पे ऑलमोस्ट उतना ही वक्त बिताया है जितना शुभमन गिल ने बिताया, क्योंकि शुरुआत में तो मुझे लगा कि शुभमन गिल वहाँ पे आराम से बैठे हुए थे छाया में, करीब एक आध घंटे वो अकेले वहाँ पर, अकेले दो तीन प्लेयर्स के साथ, राहुल चेहर वगैरह इनके साथ बैठे हुए थे, और सूर्य कुमार यादव यहाँ पर थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व थे नेट्स पे, तो मुझे लगा शुभमन गिल, फिर उन्होंने पैडअप किया और वापस उन्होंने फिर शुरू किया अपनी बैटिंग शुभमन गिल ने। तो शुभमन गिल अगर कल ओपन करते हैं, जैसा पता नहीं कोई मान रहा है या नहीं मान रहा, तो मुझे तो बहुत आश्चर्य होगा। और सूर्य कुमार यादव अगर मिडिल ऑर्डर पे कल बैटिंग कर ले, चांसेस बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा कम हैं, बट यू नेवर नो। शुभमन गिल ऑन फॉर्म, डेफिनेटली उनको आना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, तीन स्पिनर्स कौन होंगे अगर तीन स्पिनर्स खेल रहे हैं तो। मुझे फ़िलहाल यहाँ पे बैठ के ऐसा लगता है, यहाँ देख के जो भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि तीन स्पिनर्स आपके खेलेंगे। अब वो तीसरा स्पिनर कुलदीप यादव होंगे या अक्षर पटेल होंगे। कुलदीप यादव ने भी बॉल डाला, बाद में डाला उन्होंने, बट डाला। और जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंडर्स हैं, जो ड्राई विकेट है, एटलीस्ट एक साइड ऑफ द विकेट जो है ना वो ड्राई छोड़ी हुई है, ताकि बॉल वहाँ पे पड़ के लेफ्ट हैंडर्स के लिए अगर कुलदीप डालते हैं या ऑफ स्पिनर डालते हैं तो टर्न उधर को होगा, यानी बाहर निकलेगा उनके लिए लेफ्ट हैंडर के लिए, और अगर अक्षर पटेल डालते हैं तो उनके लिए बॉल अंदर आएगा। तो ये फ़िलहाल समीकरण बन रहा है। मोहम्मद शमी, बाय द वे मोहम्मद शमी आज वो इकलौते शायद से ऐसे प्लेयर थे जो इस नेट सेशन, इस प्रैक्टिस में नहीं आए। उमेश यादव आए थे, उनका होम ग्राउंड है, नागपुर के ही रहने वाले हैं, यहाँ अच्छी तरह से जानते होंगे फैसिलिटीज़, विकेट को, तो ये है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि प्लेयर्स के जो ये कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी आपको दिखाए हैं, तो स्पोर्ट्स तक के साथ आपको जुड़े रहना है यार। ये है कि हम आपको बताते रहेंगे पल पल की खबरें यहाँ से नागपुर, और साथ ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी यहाँ से देखेंगे कि नागपुर में है क्या। और काफ़ी सेशंस जो हैं, करीब फ़िलहाल 2.5 घंटे से ऊपर हो गया इंडियन टीम को, और मुझे लगता है कि वक्त अब आ गया है इन लोगों के जाने का। फ़िलहाल मेरे भी जाने का वक्त आ गया है, आपसे जल्द मिलूंगा, पर आप लोगों को, क्योंकि टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, माई 11 सर्कल पे अपनी टीम ना बनाना भूलिए। बहुत सारे इनाम हैं, और साथ ही अगर कोई ओपिनियन है, कोई डाउट है, शक शुबा है, तो प्रोवो ऐप पे जाइए, वहाँ अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और अपनी ओपिनियन रखिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।